दोस्तों जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि जेके उपहार का एक और अपडेट आ गया है। दोस्तों मैंने उसके लिए वीडियो बनाई हुई थी जिसमें दोस्तों आपको केवाईसी करना जरूरी हो गया था जेके उपहार एप्लीकेशन में, लेकिन दोस्तों उसमें बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही थी जब भी वो केवाईसी कर रहे थे अपने, तो उसमें दोस्तों फेल्ड आ रहा था, दोस्तों केवाईसी सक्सेसफुल नहीं हो रही थी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ कि आपको जेके उपहार की केवाईसी कैसे कंप्लीट करना है और कैसे आपको केवाईसी इन्फॉर्मेशन डालनी है जिससे आपकी जो केवाईसी है वो कंप्लीट हो सके। तो दोस्तों आप इस वीडियो का पूरा लास्ट तक जुड़े रहिएगा ताकि दोस्तों आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल दुर्गेश टेक किंग में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने चैनल के बारे में कुछ जानकारी दे देना चाहता हूं। दोस्तों मैं अपने चैनल पे जेके उपहार एशियन पेंट और बजट पेंट रिलेटेड ऐसा वीडियो बनाता हूं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि दोस्तों आपको ऐसा ऐसी वीडियो मिलते रहे। और दोस्तों अगर आपने मुझे अभी तक Instagram पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे Instagram पे भी फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों अगर आपको मुझसे कुछ बात करनी है जेके उपहार से रिलेटेड या किसी अदर कंपनी की टोकन से रिलेटेड, तो दोस्तों आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जेके उपहार से केवाईसी से रिलेटेड जब अपडेट आया था ये, तो दोस्तों मैंने इसके लिए वीडियो बनाई थी। दोस्तों आप यहां से देख सकते हैं थंबनेल वीडियो का। दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी थी कि आप केवाईसी कैसे कर सकते हैं, कैसे आप अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप में से बहुत से लोगों को मुझे कमेंट आ रहा था बहुत ही दिनों से कि जो केवाईसी है वो उनकी फेल्ड आ रही है, केवाईसी अपडेट नहीं हो रहा है। तो अगर आपकी भी केवाईसी अपडेट नहीं हो रही है, केवाईसी फेल्ड आ रहा है, तो दोस्तों मैं आपको कंप्लीट बताता हूं कि कैसे आपको केवाईसी करनी है, कैसे आपको अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है जिससे आपकी केवाईसी कंप्लीट हो सके। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, यहां जो केवाईसी का ऑप्शन है आप देख सकते हैं, इनमें से दोस्तों आपको सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट यहां अपलोड करना है, चाहे दोस्तों आप आधार कार्ड कर सकते हैं या पैन कार्ड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताता हूं आप आधार कार्ड करिएगा। आधार कार्ड कैसे करना है दोस्तों मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो दोस्तों आप यहां से देख सकते हैं आधार कार्ड वाले ऑप्शन में दोस्तों आपको आधार नंबर पहले यहाँ फिल कर देना। फिल करने का सिंपली तो आप यहाँ जरूरी चीज आ जाती है। दोस्तों आप में से बहुत से लोगों ने क्या गलती की, मैं यहाँ बताता हूँ आपको। आप में से बहुत से लोगों ने क्या किया कि यहाँ से सीधे गैलरी से फोटो ली और यहाँ अपलोड कर दी, और जब अपलोड करने के बाद जब आप सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपकी केवाईसी नहीं होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो आपके मोबाइल से जब फोटो खींचते हैं तो दोस्तों वो 2 MB से ज्यादा हो जाती है, इसीलिए दोस्तों यहाँ अपडेट नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है कि दोस्तों आप यहां से देख सकते हैं ये जो कैमरा का बटन है इस पे आपको क्लिक करना है और आपको तुरंत फोटो लेनी है आधार कार्ड की। और दोस्तों मैं आपको बता दूं आधार कार्ड की फ्रंट साइड की ही फोटो लेनी है। लेने के बाद सिंपली दोस्तों आपको क्या करना है कि यहां से फोटो खींच लेनी है और अपडेट कर देनी है। जैसे आप यहां से फोटो खींच के सबमिट करेंगे तो आपकी केवाईसी सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ऐसे ही आप अपनी जेके उपहार की केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और दोस्तों अगर आपको अभी भी कुछ दिक्कत जा रही है केवाईसी रिलेटेड, तो सिंपली दोस्तों आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट के जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों अगर आपको रिप्लाई नहीं मिलता है तो आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, आप मुझसे Instagram पे भी बात कर सकते हैं। दोस्तों मुझसे Instagram पे बात करने के लिए सबसे पहले क्या करिएगा कि आप मुझे Instagram पे फॉलो कर लीजिएगा। फॉलो करने के बाद सिंपली दोस्तों आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही जेके उपहार एशियन पेंट और बजट पेंट रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर सकते हैं ताकि दोस्तों आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।